नमस्कार, सुबह के साथ बजने वाले हैं आपके साथ मैं नंदिता कुडेशा हूं। वक्त हो गया अगले 20 मिनट में देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आपको दिखाने का। शुरू करते हैं मॉर्निंग ब्रेकिंग। मौसम विभाग ने लगभग आधे हिंदुस्तान में आज भी तूफान और बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने एक बार फिर तूफान के खतरे का अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक देश के अलग अलग हिस्सों में आज और कल मौसम खराब रह सकता है। पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर थंडर स्क्वाल अलोंग विद हेल एंड जो आपके मैदानी भाग है वहाँ पर थंडर स्टॉर्म्स विद गस्टी विंड तेज हवाओं के साथ होने की प्रोबेबिलिटी अगले 3 दिन तक है, 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मौसम खराब रह सकता है। इनमें से कई राज्यों में तेज आंधी और तूफान तो कुछ राज्यों में बारिश के साथ ओले पड़ सकते हैं। 7 और 8 मई को तूफान और बारिश की आशंकाओं के बीच हरियाणा सरकार ने अगले 2 दिनों के लिए सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टियां घोषित की हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को सचेत रहने को कहा है। 2 मई को देश के कई हिस्सों में आए तूफान से 124 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान यूपी के आगरा में हुआ था।